देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बेस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। देर रात्रि नैनीताल मार्ग में एक कार अनियंत्रित होकर 150 मीटर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोग घायल, जिन्हें पुलिस की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। कालाडूंगी नैनीताल मोटर मार्ग में देर रात्रि प्रिया बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर लगभग 150 मीटर खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार में 5 लोग सवार थे और वे सभी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकाल अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक नैनीताल से आ रहे प्रिया बैंड के पास अचानक चालक को सड़क का अंदाजा नहीं आया और वे कार समेत खाई में जा गिरे, जिनके बाद पुलिस को सूचना मिली। तुरंत सूचना पर थाना अध्यक्ष दिनेश नाथ महंत ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। अध्यक्ष महंत ने बताया कि सभी घायलों को 108 की मदद से कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार कर सभी को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। राहत बचाव कार्य में शामिल पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष दिनेश नाथ महंत, मनोज कुमार यादव, पवन कुमार, अतीक अहमद, मनोज जोशी, किशन आदि लोग शामिल थे। आप देख रहे हैं कालाडूंगी से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।